खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू कहूँगा अपने सर को मिस्टर संजीव चौहान को और उसके बाद मैं सर को थैंक यू बोलूँगा। और मेरी फर्स्ट फिल्म है, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है और पूरी टीम को यही जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया और उनको मैं थैंक यू दिल से कहूँगा। और काफ़ी हार्ड वर्क के साथ मेहनत करनी है और बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। फिल्म की कहानी आप वेट कीजिए और जब थिएटर पर लगेगी तो आप सब जाएंगे देखने। किरदार क्या है, रोल क्या है, सब होगा धीरे धीरे, सब रिवील होगा। हम लोग क्या कहेंगे, सब आप सर फिल्म बनने से पहले मैं कैसे बता सकता हूँ सब सब एक्चुअली आप देखेंगे फिल्म का टाइटल ब्लैक वाले है और पहले ही हॉरर फिल्म है तो सीक्रेट्स तो इसमें होते ही हैं। तो बेसिकली आप ये सीक्रेट है सर, भूत भी तो एक सीक्रेट ही है ना, कैसे बना कैसे नहीं बना, अब यही तो फिल्म में आएगा सब। सस्पेंस है तो अगर सस्पेंस निकल जाएगा तो हॉरर भी निकल जाएगा। देखिए क्या है यहाँ पे, इसमें जो हॉरर जो क्रिएट किया गया ना वो मेनली म्यूजिक से किया गया, तो जो डर जो ज़्यादातर फिल्म में आधी से ज़्यादा फिल्म में जो डर है जो माहौल है वो म्यूजिक से क्रिएट किया हुआ है। और हॉरर का मतलब ये नहीं कि जैसे हम देखते थे कि डरावनी शक्लें चुड़ैल, वो हॉरर नहीं है। एक जो हम रियल लाइफ में जैसा हॉरर हम लोग फेस करते हैं, कभी कभी हम जैसे अकेले बैठे हैं और कुछ भी नहीं है फिर भी हम डरना शुरू हो जाते हैं। मान लो कमरे में अकेले बैठे हैं, कुछ दिमाग में कुछ चीज़ें आती हैं और हम डरना शुरू हो जाते हैं। तो उसी तरह से है कि एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया गया है म्यूज़िक के थ्रू और सिचुएशन के थ्रू कि आदमी को डर लगने लगता है। कुछ नहीं है स्क्रीन पे, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है फिर भी हम डर रहे हैं। तो पायल की आवाज़ भी आ रही है, हाँ पायल की आवाज़ हो गई, म्यूजिक हो गया, कुछ इफेक्ट्स हो गए। तो इसमें जैसे जैसे टाइटल है ब्लैक वायलिन, तो वो जो म्यूजिक है उसमें उस म्यूजिक के थ्रू ही हॉरर क्रिएट किया। सस्पेंस ये हॉरर ऐसे ही सस्पेंस होता है। हाँ जी, और ये जैसा आपने टाइटल है द ब्लैक वायलिन, एक एक मतलब म्यूजिकल हॉरर फिल्म है, पूरी रोमांटिक है। मतलब अगर कोई इस फिल्म को देखने के बाद अगर कोई रोमांस करना चाहे तो एक बार डरेगा, बस इतना कहना चाहूँगा इसके बारे में। अब वो जब कहानी जब फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा और अपडेट्स आपको देते रहेंगे, लेकिन ये है कि फुल हॉरर म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है, एकदम बड़ा अच्छी। हाँ जी, तो टाइटल जैसा हमारे राइटर साहब ने बताया कि इसमें मतलब जो कहानी हमारी वायलिन पे ही बेस है, तो जब वायलिन है तो म्यूजिक तो होगा ही होगा, तो उसी से बेसिक रिलेटेड है अभी। बाकी प्लान्स क्या है, कब फ्लोर पे जा रही है, ये समझिए हम सितंबर तक हमारी फ्लोर पे जा रही है मूवी, रिलीजिंग मार्च तक का। हाँ जी, इस म्यूजिक के लिए, इस फिल्म के लिए एक साल तक ना पड़ेगा, एक साल के बाद सर हमने सब्जेक्ट के लिए एक साल लग गया हमारे को प्रिपेयर करने के लिए, पूरा स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग्स के साथ में।
तो आर्टिस्ट वगैरह ये तो हमारे साथ और कौन कौन कुछ नॉन फेस वगैरह है यार? अभी उस पर वर्कआउट चल रहा है, नॉन फेस ले रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है कई आर्टिस्टों से, दो तीन जन से, तो जैसा कुछ होगा तो वो भी बता दिया जाएगा कि कौन ले रहे हैं। बाकी तो सर मेन लीड में है और आई हुई है मोनिका रावण और सेकंड लीड भी आ चुकी हैं मेन लीड में, बाकी दोनों ही है, दोनों ही है। सर वहाँ से उसके लिए तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फॉर दैट यू हैव टू वॉच द मूवी। एंड बस यही है, एक खूबसूरत सा रोमांटिक लव स्टोरी विथ हॉरर है, बट कुछ डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। कैसे फिल्म मिली आपको ये, क्या आपने ऑडिशन जीते? हाँ, ऑडिशंस के थ्रू ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसके पहले क्या क्या? इसके पहले भी मैंने सीरियल्स किए हुए हैं काफ़ी, आई डिड माइथोलॉजिकल सीरियल्स, वेब सीरीज, शॉर्ट मूवी, आई डिड, आई हैव एक्सपीरियंस। फिल्म एज ए नेम आप लोगों को बता ही रहा है कि इट्स अ हॉरर फिल्म, एंड मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ हॉरर फिल्म्स की वैसे भी, और दिस वुड बी माय फर्स्ट हॉरर फिल्म, मेरी हॉरर फिल्म पहली रहेगी ये, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क, दैट्स इट। किरदार क्या, कुछ रोल क्या है, बताएंगे? किरदार तो अभी मैं नहीं बता सकती सीरियसली, बिकॉज बहुत लोग पूछ चुके हैं और बार बार मुझे रिपीट करना पड़ रहा है, आई विल नॉट से एनीथिंग, नहीं बता सकती मैं इसके बारे में, एंड दैट्स इट। आई एम कि मैं इसमें फर्स्ट लीड प्ले कर रही हूँ, अभी तो मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, दैट्स इट, आई एम द फर्स्ट लीड ऑफ द फिल्म। रोमांटिक हॉरर सब्जेक्ट है और संगीत से शुरू होकर हॉरर जॉनर तक ये पहुंचती है, तो कई लेयर्स हैं आपको देखने मिलेंगे, रोना भी है, हंसना भी है, मुस्कुराना भी है, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। जब इतना कुछ है सर, तो उसमें इतना डर क्या है कि लोग बता? डर है सर, वो तो ऑडियंस आएगी, डरेगी, बताएगी आप लोगों को कि हम डरे कैसे, अब वो तो रिवील नहीं करूँगा, उसके लिए एक साल लगेगा। हाँ बिल्कुल, वेट करिए सर, हमारी ऑडियंस खूबसूरत सी फिल्म देखने के लिए सर एक साल तो आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ भी बताएंगे सर? कुछ भी। जो फिल्म का नेम है, ये नाम से ही आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा म्यूजिकल फिल्म है, और हम अभी तो बस यही कह सकते हैं कि आपको म्यूज़िक सुनने के बाद वो काफ़ी पसंद आएगा। जैसा कंसेप्ट है ना म्यूज़िक का, और जैसा कंसेप्ट है पूरे फिल्म का या जो भी स्टोरी लाइन है फिल्म की, आप उसको जब फिल्म के साथ गाने जब बाहर आएंगे, ऑब्वियसली यू कम टू नो कि गाने कितने हार्ट टचिंग, सोल टचिंग है, और हर कुछ है, मिशन हर कुछ का है, फ्रॉम दोज कमर्शियल ट्रैक्स जो डांस नंबर्स हैं, सॉफ्ट रोमांटिक्स एंड रोमांटिक, इससे ज़्यादा मैं आपको लिटरली नहीं बता सकता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आपको मैं बता पाऊँ सब कुछ, और म्यूज़िक रिलीज पे ऑब्वियसली जब आप लोग हो गए तो कैसी होगी, राम से वाली म्यूजिक होगी या रामू वाली? सबसे इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड स्कोर मेहनत है, बहुत मेहनत है। अभी हम स्क्रिप्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट के लाइनअप पे काम कर रहे हैं कि हम कितना उसमें हॉरर, बिकॉज सी हॉरर इज ऑल अबाउट, हॉरर एंड कॉमेडी इज ऑल अबाउट दी बैकग्राउंड में जो साउंड उससे निकलता है, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो हॉरर में जब हमें जब बैकग्राउंड का और बेसिकली जब पूरे टाइटल ट्रैक एंड सारे सॉन्ग का जब पार्ट करना पड़ा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी ऐड करनी पड़ी जो आपको शायद नहीं लगेगी। सो आई विल डेफिनेटली वेट फॉर म्यूज़िक रिलीज, जब भी ये म्यूज़िक रिलीज होगा ट्रस्ट में आप लोग।